नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम विविध विषयों पर आधारित प्रश्नों को एक साथ आपके सामने लेकर आए हैं। आप इनके उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में और खुद को चेक करते जाइए कि आपकी परीक्षाओं को लेकर तैयारी कैसी चल रही है। इसमें पहला हमारा प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? दोस्तों, इसका उत्तर आप सभी ने लिख दिया होगा, मिला लीजिए। इसका उत्तर है पंडित रामचंद्र शुक्ल। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है। अगला प्रश्न, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है, या किसकी कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? जल्दी से इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए हम आपको उत्तर बताते हैं। इसका उत्तर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। अगला प्रश्न, दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? दोस्तों, इसका उत्तर है धीर ललित। दुष्यंत एक धीर ललित नायक हैं। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? दोस्तों, पीजीटी परीक्षाओं में तो अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्नों के आने की संभावना बनी रहती है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण एक दक्षिण नायक हैं। दक्षिण नायक। अगला प्रश्न, देसिल बैना सब जग मिठा, ये किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? देसिल बैना सब जग मिठा, ये किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? इसका तो उम्मीद करती हूँ सभी ने उत्तर लिखा होगा। दोस्तों, इसका उत्तर है विद्यापति। ये विद्यापति जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा है? इसमें प्रश्न मैंने पूरा नहीं लिखा है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? दोस्तों, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जो ने कहा है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न, शुक्ल द्वारा लिखित त्रिवेणी में किन तीन कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? अक्सर पूछा जाता है, शुक्ल जी द्वारा लिखित त्रिवेणी में किन तीन कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? दोस्तों, इसका उत्तर है जायसी, सूर और तुलसी। जायसी, सूर और तुलसी। याद रखिएगा, कबीरदास जी को उन्होंने अपनी त्रिवेणी में स्थान नहीं दिया था, जायसी, सूर और तुलसी को दिया था। अगला जो हमारा प्रश्न है, चंपू काव्य के दो भेद कौन से हैं? चंपू काव्य के दो भेद कौन से हैं? दोस्तों, इसका उत्तर है विरूद और कारंभक। ये चंपू काव्य के दो भेद हैं, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विरूद और कारंभक चंपू काव्य के दो भेद हैं। किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? इसका उत्तर है भामा।
भामह ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। रूपकों का बादशाह किसे कहा गया है? प्रश्न फिर से सुनिए, रूपकों का बादशाह किसे कहा गया है? उम्मीद करती हूँ इसका उत्तर तो सभी ने लिखा होगा। रूपकों का बादशाह तुलसीदास जी को माना गया है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, ये किसका कथन है? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह किसका कथन है? दोस्तों इसका उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न, कहानी उपन्यास और कहानी में मूल अंतर क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है? दोस्तों इसका उत्तर है उसका विषय निरूपण। अगला प्रश्न, शुक्ल जी की चिंतामणि निबंध संग्रह सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? शुक्ल जी का चिंतामणि निबंध संग्रह सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? इसका उत्तर है विचार वीथि, विचार वीथि के नाम से पहले प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। इसका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? ये प्रश्न पीजीटी में पूछा गया था शायद 2013 वाले प्रश्न पत्र में, और ये ज़्यादातर लोगों का गलत हुआ था। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? इसका उत्तर है गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र एक ऐसे निबंधकार हैं, जब ये लिखते थे तो इनके ध्यान में बाण और दंडी रहा करते थे। दोस्तों ये थी आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा आप, ये हमारा हौसला बढ़ाता है, और कमेंट्स द्वारा फीडबैक भी दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका सब धन्यवाद। नमस्कार।